हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं पैसेंजर परमवीर। मैं हूं अभी अपने घर पे दिल्ली में, हिसार वाले घर से अब मैं दिल्ली आ गया हूं वापस। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगस्त का पहला हफ्ता चल रहा है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद की बधाइयां। तो आज की वीडियो के लिए कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी सोचा नहीं है, बोलूँगा बस। जल्दबाजी में कैमरा ऑन किया और कैमरे के आगे बैठ गया हूँ। कोई ट्रैवल से रिलेटेड कुछ नहीं है, कुछ ट्रैवलिंग के बारे में नहीं बताने वाला, पर काफ़ी इमोशनल सी वीडियो कह सकते हो आप इसको। तो आज की वीडियो के बारे में बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। दरअसल 2019 मतलब पिछले साल मैं गया था इथियोपिया और इजिप्ट, आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियोज़ बनाई थी काफ़ी। इथियोपिया में एक लड़का था सोलोमोन नाम का, वो मेरे होटल में मेरे को रात को मिला था स्नूकर खेलते हुए, जो की बात है जिनका की, जो ओमो वैली जो जगह थी जिनका के पास में, जिधर मैं ट्राइब्स के पास गया था, उस एरिया में मेरा लास्ट दिन था। और ट्राइब से मैं आ गया था और उस छोटे से शहर जिनका में रुका हुआ था। अगले दिन मेरे को वापस जाना था इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा, और वहां से मेरे को फिर निकलना था इजिप्ट के लिए। तो वहां पे मेरे को लड़का मिला था सोलोमोन स्नूकर खेलते हुए। थोड़ी सी हमारी बात हुई, दोस्ती होगी, और वो बोला कि भी नहीं भाई, तुम मेरे घर पे आए बिना नहीं निकलोगे कल लंच के बिना, जबकि हमें कल दिन में ही निकलना था। तो उसने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई नहीं, ऐसे नहीं जाएगा तू ये वो। तो मैंने सोचा चलो भाई, अगले का मन रखने के लिए चले जाएंगे इसके घर। उसने बोला कि मैं कल घर पे नहीं हूँगा, पर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पापा सब घर पे होंगे, तुम्हारे लिए मैं खाना बनवा के रखूँगा, तुम्हें खाना खा के जाने हो। तो मैं उसकी फैमिली को परेशान भी नहीं करना चाहता था, पर अगले ने इतने प्यार से बोला तो मैंने सोचा चलो ठीक है। अगले दिन ही दिन में लगभग 11-12 बजे एक ऑटो आया हमें लेने मेरे होटल में, और हम चले गए उसकी फैमिली के घर। मैंने वो वीडियो डाल रखी है, आपने नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा बताने लग रहा हूँ। वहाँ पे उसकी माँ थी, बहन, सब उसके परिवार वाले बहुत ही अच्छे लोग, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मेरी खुद की फैमिली। इतना हमें प्यार किया, खाना खिलाया, और उनकी माँ ने अपने हाथों से खाना खिलाया मेरे को। वो वीडियो मैं थोड़ी सी क्लिप इधर डाल दूंगा इस वीडियो में। You all are invited, okay? Come to India. Solomon has my number. Solomon, my number. Next time you should come to India. My home lunch. I invite you all, okay? Okay. And we'll drink Indian coffee and Indian tea. Thank you so much, everyone. Yeah. Thank you. Thank you. तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है वो समझ गए होंगे, जिन्हें नहीं देखी वो देख सकते हैं जाके वो वीडियो। तो ये सब हुआ और काफी अच्छा रहा। मैं अपने घर आ गया, मतलब मैं इजिप्ट चला गया, फिर ट्रिप पूरा करके अपने घर आ गया। सब कुछ काफ़ी अच्छा था, मैंने वीडियो डाली, वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ आए और बहुत अच्छे अच्छे व्यू कमेंट्स आए, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स है सबके। जिनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कुछ लोगों के कि भाई सोलोमोन मुस्लिम है तभी इतनी खातिरदारी कर रहा है, या फिर सोलोमोन क्रिश्चियन है तभी इतनी खातिरदारी कर रहा है, और कोई कह रहा है कि तू खाली हाथ कैसे आ गया, तूने उसको कुछ दिया नहीं। ये सब काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी थे इस तरह के, जो कि मैंने उस टाइम पे इग्नोर किए, पर आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसे भी एड्रेस कर लूँ। मैंने रिसेंटली ईद की वो फोटो डाली थी, ईद मुबारक की, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी टैब में, शायद आपने देखी, उस पर भी खूब सारे नेगेटिव कमेंट्स आए कि भाई तू मुसलमान बन गया, थोड़ा सा तेरा चैनल क्या चढ़ा। तो देखो, मैं साफ सी बात मैं कह रहा हूँ, मेरे को ना मुसलमानों से नफरत, ना मेरे को हिंदुओं से नफरत, ना मेरे को क्रिश्चियन से, मेरे को किसी धर्म से कोई नफरत नहीं है। ना मेरे को कभी सिखाया गया मेरे घर में कि हमारी फैमिली हिंदू है तो तू भी ये करेगा, सुबह शाम मंदिर जाएगा, वो करेगा। घर वालों ने हमेशा से ये सिखाया, जो ठीक काम करो भगवान अपने आप ही आपसे खुश रहेगा। ये नहीं कि दूसरे धर्म से नफरत करो और करो, और ना ही ऐसा कि मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, मुसलमान धर्म बेकार है। मेरे लिए सब धर्म एक बराबर है। और मैं करतारपुर गया, वहाँ पे हमने देखा कि मुस्लिम्स कितने फ्रेंडली, कितने वेलकमिंग थे, कितने अच्छे से उनने हमारी मेहमान नवाजी करी। और सोलोमोन, पहली बात, वो मुसलमान नहीं था। जो लोग पीछे पड़े हुए कि मुसलमान थे इसलिए इसने इतना खिलाया, वो प्रोटेस्टेंट था या फिर क्रिश्चियन था, जो भी था मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और कई कह रहे कि तूने मुसलमान के घर में खाना कैसे खा लिया हिंदू हो गए, तो ये बकवास बातें। जो भी आप ये छोटी सोच रखते हैं मेरे चैनल पे, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे आपकी ज़रूरत भी नहीं है ऐसे व्यूअर्स की, जिनकी ये सोच है कि हमारा रिलीजन ये है, अगले का वो है। जितना प्यार मैं कोई किसी अच्छे मुसलमान से करूँगा, उतनी नफरत मैं किसी गंदे हिंदू से भी करूँगा। मेरे लिए हर धर्म बराबर है, जो आदमी अच्छा काम करे वो अच्छा है, जो बुरा काम करे वो बुरा है, दैट्स इट। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मत रहो। अच्छा, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करी, सब कुछ हुआ, और उसके बाद मैं वापस आ गया इंडिया। जो लोग यूँ कह रहे थे कुछ देख ही नहीं आया, तो पहली बात तो मैं कुछ उनको दूंगा तो मेरी आदत नहीं है, मैं हर जगह ढिंडोरे पीटूँ। एक हाथ से आप दान करो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए उसने कुछ दिया है।
तो मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया वो मेरे को पता है, और मेरे को हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है कि भी मैंने उसको ये दिया वो दिया, बल्कि अगले आदमी ने मुझे क्या दिया वो दिखाना जरूरी है। अब आगे चलते हैं, जैसा कि हमारा त्यौहार था राखी, बेसिकली रक्षाबंधन हिंदुओं का त्यौहार है, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ अब क्या हुई, मैं गया था सितंबर में, अगस्त सितंबर, ऑलमोस्ट एक साल हो गया मेरे को सोलोमन के घर गए, और क्या होता है इस रक्षाबंधन पे मेरे पास फोटो आती है सोलोमन की व्हाट्सएप पे, सोलोमन इकलौता भाई और उसकी चार बहनें हैं, उसकी चारों बहनों की फोटो आती है मेरे पास, हाथ में एक धागा लिए हुए मोटा डोरा सा लिए हुए, और सोलोमन ने मेरे को विश किया कि हैप्पी रक्षाबंधन। वो चारों फोटोज मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, वो चारों बहनों की, मतलब सोलोमन की बहन कह लो या मेरी बहन कह लो, वो इथोपिया से उन्होंने फोटो भेजी, जो कि मुझे बहुत ही स्वीट लगा। और उस टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई, मैं वहाँ से आया, मैंने बिल्कुल अपनी फैमिली समझ के उनके घर खाना खाया और उनसे व्यवहार किया जो भी, और अब तक भी मैं जैसे उन्होंने मेरे को प्यार दिया, मैं यूँ ही सोचता हूँ कि वो मेरी खुद की फैमिली। तो राखी पे वो ये फोटो आई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो चारों बहनों ने राखी ले रखी थी। जो लोग ये धर्म वाली बात बीच में जोड़ते हैं, अब आप लोग बताइए इस पे, उसने भी तो मेरे को हमारे त्यौहार की फोटो भेजी। तो ऐसा ही हमें इंसानियत के तौर पर करना चाहिए, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करो और हर चीज़ करो, ये इन बातों में कुछ नहीं रखा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बात पे, तो मैंने फाइनली ये वीडियो बनाना ठीक समझा कि इससे शायद आपको एक अच्छा मैसेज दे सकूं, मेरी ऑडियंस को, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, कि भाई आप चाहे कहीं भी हो, पूरी दुनिया में हर जगह अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हर जगह आपको मिल जाते हैं। आप सोचते हो कि उधर चोरी ज़्यादा होती है, उधर बेकार लोग हैं, उधर मार पिटाई है, क्या हमारे इंडिया में नहीं होती? हर जगह चोरी होती है, हर जगह बुरे लोग हैं और हर जगह अच्छे लोग भी हैं। आप किसी कोने में जाओ, आपको सारी तरह के लोग मिलेंगे, और हर धर्म में अच्छे लोग मिलेंगे, हर धर्म में बुरे लोग मिलेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप दुनिया को किस नज़रिए से देखोगे। आप अपनी सोच पॉजिटिव रखोगे तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव लोगों से ही कनेक्ट ज़्यादा होंगे, आपके आसपास पॉजिटिव लोग ही ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा मानना ये है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब काफ़ी लोग मुझे पता है दोबारा ये बोलेंगे कि रक्षाबंधन पे उसने मतलब तुम्हारी बहनों ने फोटो भेजी अफ्रीका से, सोलोमन की बहन या फिर आप मेरी बहन कह लो चाहे, और तूने उन्हें कुछ नहीं दिया होगा पक्का। तो मुझे पता था आप लोग ये बोलोगे, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, पर सिर्फ जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मुझे दिल से चाहते हैं, बस मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी अभी कौन सी पेमेंट आई थी, जून महीने की पेमेंट आई थी यूट्यूब से, जितनी भी आई थी मेरी, हालांकि लॉकडाउन में काफ़ी कम हो गया था यूट्यूब से रिवेन्यू, मैंने मेरा जून महीने का जितना भी रिवेन्यू था यूट्यूब से वो सारा मैंने सोलोमन को ट्रांसफ़र किया ऑनलाइन अकाउंट में, मेरी बहनों के लिए या फिर उसकी बहनों के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। और मैंने उसको बहाना मारा कि जल्दी से अकाउंट नंबर दे, मेरे को काम है ज़रूरी, और ऐसे मैंने जून की मेरी पेमेंट उसमें ट्रांसफ़र करी, और एज ए गिफ्ट मेरी बहनों के लिए या फिर सोलोमन की फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत बुरा टाइम चल रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ चुकी है और वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे। मेरी सोलोमन से इस बारे में भी बात हुई थी, कह रहा था भाई कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, 4-5 महीने से बहुत बुरी हालत है घर की भी। तो डेफिनेटली वो पैसे मेरे से ज़्यादा वो डिज़र्व करता था या फिर उसकी फैमिली डिज़र्व करती थी, जो भी आप कहो। और मैं इस कैपेबल हुआ कि मैंने उसको मेरी यूट्यूब पेमेंट भेजी, वो सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से हूँ, वो मेरे कमाए हुए कोई पैसे नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं मजदूरी करके वो पैसे कमाए हुए। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी इथियोपिया की, इजिप्ट की, जहाँ की भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, तभी मेरी वो वीडियोस चली, तभी यूट्यूब से मेरे को वो पैसे आते हैं जितने भी आते हैं। अब उसके लिए हम बाद में बात कर सकते हैं, पर इसका सारा क्रेडिट जो आप लोग हो, मैं आप सभी को देना चाहूँगा, जो भी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे से दिल से जुड़े हुए, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं रेगुलरली, शेयर करते हैं, प्यार करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोज़, ये सारा क्रेडिट मैं उन लोगों को देना चाहूँगा। और उन लोगों के अलावा इस चैनल पे जो लोग ये धर्म की बातें लाते हैं, नेशनैलिटीज की बातें लाते हैं, उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल अभी अनसब्सक्राइब कर दो, और मुझे आपके व्यूज़ का रिवेन्यू बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लोग इस बात से कनेक्ट कर पाए, इस जिन लोगों को इस वीडियो से अच्छा मैसेज मिला हो, जिनको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा जो सोलोमन का गेस्चर था। और मैंने अपनी तरफ से किया, जो भी किया वो मैंने नहीं किया, आप लोगों की वजह से ही किया। अगर आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते तो मेरे पास कहाँ से पैसे होते कि मैं उसे भेजूं। और क्योंकि जो भी है भगवान, अल्लाह, जो भी सुपर पावर है इस दुनिया में, उसकी वजह से आज के दिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि लॉकडाउन में भी मतलब मेरी फैमिली की हालत ठीक है और मुझे खाना मिल रहा है हर टाइम का। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा वो पैसे सोलोमन काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करता था। और आप लोग मेरी वीडियोज़ ना देखते इथियोपिया की या उसके घर की, तो मेरे पास वो पैसे आते कहाँ से? वो होते भी नहीं मेरे पास।
तो इसलिए मैंने पैसे पे, अब कई लोग कहेंगे कि स्क्रीनशॉट पे नहीं दिखाया, पागल बना रहा है, इसने कुछ नहीं किया, तो मैं उस चीज़ की कोई जवाबदारी नहीं करना चाहता। आप लोगों को जो सोचना है सोचो, जो लोग मुझसे दिल से जुड़े हुए, जो मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर मेरी हर वीडियो देखते हैं, वो आई एम श्योर वो मुझे जानते होंगे कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ, और मुझे कोई प्रूफ या कुछ देने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि इसमें स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में जोड़ दूंगा कि भी ये देखो मैंने पैसे ट्रांसफर, पर फिर वही बात है, एक दिखावे से कुछ नहीं होता, कहीं ना मैंने उसके नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी, और चाहे मैंने अपनी तरफ से 1 रुपया ही दिया हो या फिर मेरा जितना पोटेंशियल हो मैंने वो दिया हो, ये मैटर नहीं करता कि आपने दिया कितना। आपकी नीयत लाइफ में हमेशा ये होनी चाहिए कि आप दूसरे आदमी को दे, और दूसरे के खाने के चक्कर में कभी मत रहे, क्योंकि अगर आप हमेशा यूँ सोचें कि मैं किसी का खा लूँ, उसके अगर फ्री में खाएँ, उसके पैसे मार लूँ, उसके लूट लूँ, तो आपकी सारी उम्र ऐसी निकलेगी और आप हमेशा मांगते ही रह जाओगे। मेरे पापा ये बात हमेशा कहते हैं और मैं इस बात को बिल्कुल ठीक मानता हूँ। मेरा जितना पोटेंशियल था, मेरा तो जितना भी रिवेन्यू था जून का, मैंने सारा यूँ का यूँ सोलोमोन और उसकी फैमिली को दे दिया। मैं ये बताना भी नहीं चाहता था इस वीडियो में कि भी मैंने कुछ दिया नहीं दिया, पर चलो कोई नहीं। और आज के बाद मैं बताने भी नहीं वाला कि भी मैंने उसको इतना दिया, फिर मैं ऐसा कुछ किया, और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। एक हाथ से दान करो, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसने कुछ दिया। एक लास्ट चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारी जो मुर्सी ट्राइब वाली वीडियो थी इथोपिया की, ओमो वैली की, दैट गॉट फीचर्ड ऑन यूनिलैड्स ऑफिशियल फेसबुक पेज। जो यूनिलैड है वो एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है यूके का, मीडिया बेस्ड कंपनीज का, काफ़ी पेजेस हैं इनके अंडर और इनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। तो शायद परसों उन्होंने मेरी वो वीडियो अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करी थी मेरी परमिशन के साथ। उनका मेरे पे मैसेज आया एंड दे रीच आउट टू मी, दे आस्क मी इफ दे कैन शेयर माय वीडियो ऑन देयर प्लेटफॉर्म, एंड दे वर प्रीटी इम्प्रेस्ड विद इट, एंड आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड कि इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने मेरी वीडियो की तारीफ करी और उन्होंने चाहा कि दिस कॉन्टेंट इज रियली यूनिक और ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। एंड मोस्टली यू वुडंट सी इंडियंस, हम जो इंडियंस हैं आमतौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे वो हमें लेते नहीं, हमारी वीडियोज दिखाते नहीं, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू दैट माई वीडियो गॉट पॉपुलर एंड दे समहाउ गॉट टू सी इट एंड इट गॉट शेयर्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिएगा। वो जो मेरी वीडियोज उसमें मैंने सोलोमोन का नीचे नंबर डाला था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, सोलोमोन के पास इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेज आए थे, थैंक यू सो मच सोलोमोन भाई हमारे परमवीर भाई की इतनी खातिरदारी करने के लिए, और आपकी फैमिली को थैंक यू सो मच, और ऐसे ऐसे बहुत स्वीट मैसेजेस उसके पास आए थे, वो मुझे बता रहा था। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल गाइज। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं कैपेबल हुआ कि मैं अपनी तरफ से सोसाइटी को या फिर सोलोमोन को या कुछ भी हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, मैं कोई चीज़ हमारा रिवाज बचाए रखने के लिए मैं कैपेबल हुआ, सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, आप लोग ऐसे ही प्लीज़ मुझे प्यार करते रहिए, एंड आई एम श्योर मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, हमेशा आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊंगा और पॉजिटिव चीज़ें करूंगा, बुरी चीज़ें या फिर जिन चीज़ों की इजाज़त मेरा ज़मीर नहीं देता ऐसी चीज़ें मैं कभी नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए खुद को, अपने परिवार में सबका ध्यान रखिए, एंड गुड बाय।